हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी भी इंजन का वाटर पंप में अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके कारण जो है क्या क्या प्रॉब्लम इंजन में आ सकती है, तो आज हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बिग कैम का इंजन है, NT855 बिग कैम का इंजन है। इसमें ये देखिए, ये वाटर पंप है। इसको हम हाथ से जब घुमाते हैं तो इसमें हल्का सा खरखराहट की आवाज़ आती है, जिससे ये कन्फर्म होता है कि इसका जो बेयरिंग है वो बेयरिंग में जो है प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसमें जो है इस टाइप का साउंड आता है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर पंप को हमने निकाल लिया है बाहर। बाहर निकालने के बाद जो है, अब इसको जब हाथ से हम घुमाते हैं तब देखिए इसमें जो साउंड आ रही है, इसका मतलब है कि इसका जो बेयरिंग इसमें लगा होता है, बेयरिंग में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये वाटर पंप फ्रीली मूव नहीं हो पाता, लोड लेकर चलता है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है तो इसमें जो है, इसके आगे हम आपको इसमें प्रॉब्लम भी दिखाएंगे कि इसमें वाटर का सर्कुलेशन कैसा होता है, और उसके बाद अगर सर्कुलेशन हमारा वाटर का अगर क्लियर नहीं होगा, यानी कूलेंट का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, तब उसमें जो है रेडिएटर के जो हमारा कैप होता है वहाँ से जो है स्टीम वाटर, और कभी कभी जो है अधिक प्रॉब्लम आती है तो उसमें से मैक्सिमम स्टीम फार्मेशन ही निकलने लगता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंडों को इसको शेयर भी कीजिए। ये देखिए, ये हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि वाटर पंप जब इंजन में चलता है तब ये वाटर का प्रेशर ही होता है। अगर वाटर पंप फेलियर हो जाता है तब ये देखिए, ये जो हमारा रेडिएटर कैप से जो एक ब्रीदरिंग के लिए पाइप लगा होता है, जिसमें देखिए स्टीम भी आ रहा है और साथ में जो है वाटर भी आ रहा है, और लास्ट में आप देखेंगे कि वाटर अगर हमारा कम हो जाता है तो उस केस में क्या होता कि मैक्सिमम जो है इसमें स्टीम फार्मेशन अधिक होने लगती है। तो ये भी देखिए, ये हम आपको इसमें दिखा रहे हैं।